आपका क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन, क्या दिया हुआ है, 1 बाई 3x प्लस वाई प्लस 1 बाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 बाई 4, और यहां पर क्या दिया है 1 बाई 2 एंड ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1 बाई 2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 8। ठीक है, नाउ इस टाइप की क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपका 3x प्लस वाई इधर है और यहां पर है 3x माइनस वाई, तो इसमें हम लगाएंगे रिड्यूसिबल मेथड, जो हमको रिड्यूस करेगा, तो हम यहां पर लिख देते हैं रिड्यूसिबल मेथड। और रिड्यूसिबल मेथड में हम क्या करेंगे, 1 बाई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, 1 बाई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 बाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, नाउ जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर तो अब हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा a यहां पर, दैट मीन्स a बाई टू, सॉरी a ओनली a, फर्स्ट वाले में a आ जाएगा, सेकेंड इज b इज इक्वल टू 3 बाई 4। ठीक है, नाउ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आ जाएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इसको करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो 2 यहां पर है तो दैट मीन्स a बाई 2, a बाई 2 माइनस बी बाई टू, माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 8। ठीक है, नाउ यहां पर देखो 2 कॉमन है, यहां पर 8 इज कॉमन है ना, तो अब आपका क्या हो जाएगा, 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 8, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 8a माइनस 8b इज इक्वल टू माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई से, है ना, यहां पर क्या है आपका 2 इज कॉमन, तो हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो अब आपका ये इक्वेशन क्या निकल के आएगा, आपका आ जाएगा 4a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 1, और फर्स्ट वाला इक्वेशन हमारा ये था 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, अब हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 4a प्लस 4a इज 8a, माइनस 4b प्लस 4b गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज 2, तो a आपका क्या आ गया, a इज इक्वल टू 2 बाई 8, कट करो 1 बाई 4, तो a की वैल्यू आपकी आ गई 1 बाई 4। ठीक है, नाउ अब हम निकालेंगे b की वैल्यू, तो b की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हम इसमें कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा 4 a, a इज 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 4 प्लस 4 b इज इक्वल टू 3, तो 4 एंड 4 कट गया हमारा, 1 बच गया, तो आपका आ गया 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 3, तो 4b आपका क्या हो गया 3 माइनस 1, 1 राइट पे गया तो माइनस 1, तो अब आपका आ गया 4b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 2 बाई 4, कट करो
तो आपका b की वैल्यू आ गई 1 बाई टू, a की वैल्यू इज 1 बाई फोर, b की वैल्यू इज 1 बाई टू, ठीक है। बट आपका क्या है यहां पर देखो, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, तो a के सामने हम लिख देंगे ये वाली वैल्यू। तो अब आपका क्या आ जाएगा, 1 बाई 3x प्लस वाई, और b क्या है हमारा 1 बाई 3x माइनस वाई, तो ये है हमारा 1 बाई 3x माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आएगा, यहां पर आपका आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू टू, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपका क्या आ जाएगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, अगेन ऐड कर दो इसको, है ना। तो अगर आप दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ गया आपका, 6x माइनस वाई प्लस वाई गेट कैंसल्ड, 4 प्लस टू इज 6, तो x इज इक्वल टू 6 बाई 6, दैट इज इक्वल टू y, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 1। नाउ आपको निकालना है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू दोनों में से एक में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हमने किया फर्स्ट वाले में, तो आपका क्या आ गया, 3x, x इज 1, 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 1 इज 3, इसको राइट में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3, तो अब आपका आ गया माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, तो आपका आ गया माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, दोनों साइड में माइनस है, इट विल गेट कैंसल, आपकी वाई की वैल्यू आ गई 1, वाई इज 1, एक्स इज 1, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इसको निकालना।